आपके शहर गढ़वा में साहिस फर्नीचर का शानदार कलेक्शन, ब्रांडेड फर्नीचर, नीलकमल, बेरीताज, सुप्रीम, डूरियन, टाटा स्टील, संगम, गोदरेज, फैंसी सोफा, दीवान, वार्डरोब, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, सागवान दीवान, ऑफिस टेबल, चेयर, काउच, सोफा, कम बेड, हाइड्रोलिक बेड एवं होम डेकोरेशन से जुड़ा हुआ सारा सामान साहिस फर्नीचर में उपलब्ध है। तो देर ना करें, हमारा पता नोट करें, कचहरी रोड गढ़वा, एचके पेट्रोल पंप के आगे साहिस फर्नीचर, प्रोप्राइटर मोहम्मद शमशाद खान। संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 6206455368, दूसरा नंबर है 8210904136। आपका आगमन हमारा सौभाग्य। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा, सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में उत्सव मनाया तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त। उत्सव कार्यक्रम में सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ जिले भर के आदिवासी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। जिले से बड़ी संख्या में सरना आदिवासियों ने कार्यक्रम में शिरकत किया तथा अपने पारंपरिक वेशभूषा एवं गाजा बाजा के साथ एक दूसरे को अबीर, गुलाल व मिठाई खिलाकर विधानसभा में पारित हुए सरना धर्म कोड पर खुशी जताई। झामुमो नेताओं ने मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा तथा सभी लोगों को मास्क उपलब्ध कराया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर के तस्वीर पर माला अर्पण एवं पुष्प अर्पित कर आरम्भ किया। श्री ठाकुर ने गले में मानर लटकाकर आदिवासी समूहों के साथ पारंपरिक नृत्य किया, उन्हें मिठाई खिलाकर एवं गुलाल लगाकर बधाई दी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने संबोधित करते हुए सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर के लगभग 10 करोड़ आदिवासियों को एक अलग पहचान दिलाने का मुहिम शुरू किया है। उन्होंने विधानसभा में सरना धर्म कोड को पारित कर अपना काम कर दिया, अब केंद्र सरकार को अपना काम करना है। सन 1857 से 1951 तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम हुआ करता था, परंतु 1951 के बाद बाकी धर्म कोड के अलावे अन्य धर्म लिखने का विकल्प दिया गया था। राज्य में लगभग 90 लाख आदिवासियों की संख्या है, जिसमें सरना धर्म के रूप में अपनी पहचान बताने वाले 40 लाख लोग हैं। सरना धर्म कोड नहीं होने के कारण लोगों को अन्य धर्म में अपना पहचान बताना पड़ता है। 2021 की जनगणना में अगर केंद्र सरकार इसके लिए सरना धर्म कोड बनाती है तो वो अपनी पहचान आदिवासी के रूप में बता पाएंगे एवं ऐसा करने से उनके विरासत और संस्कृति दोनों बची रहेगी। आदिवासी सरना धर्म कोड नहीं होने के कारण राज्य में लगभग 25,971 आदिवासी ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में सही आंकड़े भी नहीं मिल पा रहे हैं तथा आरक्षण, नौकरी, बजट आदि में इनको जगह नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि सरना मतलब सवरना होता है, मानवता को, मनुष्यता को आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। सभी आदिवासी गांवों में जो पूजा स्थल होता है उसे सरना स्थल कहते हैं। वहां मुख्यतः सखुआ पेड़ की पूजा करते हैं या फिर किसी अन्य पेड़ की भी पूजा होती है। इसी पूजा स्थल को हो देसावली संथाल में जाहिर थान उड़ाव में चाला टोका भी कहते हैं। कार्यक्रम में आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष चेतु सिंह खेरवार, सुनील किस्पोटा, भोला सिंह खेरवार, आदिवासी युवा मोर्चा के संजय सिंह, छोटू मुनेश्वर सिंह, दिनेश सिंह, गंगेश्वर सिंह, अजय प्रकाश मिंज, कस्तूरी देवी, कबूतरी देवी, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान, सचिव मनोज ठाकुर, प्रवक्ता धीरज दुबे, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू, असरफी राम, संजय चौधरी, नितेश सिंह, अरविंद यादव, आशीष गुप्ता, दिनेश गुप्ता, फुजैल अहमद, राजेश बैठा सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जो वर्षों से मांग थी हमारे आदिवासी भाइयों की, पूरे देश में ये बताते हुए शायद बहुत लोगों को ये आंकड़ा पता नहीं होगा कि 10 करोड़ हमारे आदिवासी भाई हैं पूरे देश में और झारखंड में 90 लाख से ज्यादा संख्या है आदिवासियों।
और आज इन्हें पूरी तरह से पहचान विहीन करने की एक साजिश रची जा रही थी। उस साजिश पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था कि हम अलग राज्य प्राप्त करके और यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गुरु जी के सपने को पूरा करने का काम किया है। विधानसभा में हमने सरना आदिवासी धर्म कोड को प्रस्ताव को हमने पारित करवा कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार के पास मामला लंबित है और हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हम सरकार के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सरकार और हमारे जितने भी विधायकगण हैं, हम जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आदिवासियों की अलग पहचान के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड जितनी जल्द से जल्द हो सके लागू हो, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली है और इस जनगणना में आदिवासियों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रखा गया है, कोई कॉलम नहीं रखा गया है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, जैन धर्मावलंबियों के लिए जिनकी संख्या नगण्य है उनका कॉलम है, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया है। तो आदिवासी कहाँ जाएंगे अगर 2021 के पहले आदिवासी सरना धर्म कोड अगर आदिवासियों की अलग पहचान बनाने के लिए केंद्र सरकार लागू नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे और किसी हद तक जाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में यंग फैशन का शोरूम, लेडीज जेंट्स कपड़ों का शानदार कलेक्शन, ब्रांडेड कंपनी, खूबसूरत डिजाइन, दमदार क्वालिटी, स्पार्क पेपे जींस, मुफ्ती, नास्टम, डीजल कोमा, टॉमी हिल फिगर, यूएस फ्लू, लुइस फ्लिक, ब्रांडेड कंपनी की खरीदारी पर पाए 10-40% की छूट, साथ ही सूज की ब्रांड नाइक, फिला, रिबॉक, कैंपस के जूता पर 20-60% की छूट, लेदर जैकेट, इंपोर्टेड जैकेट पर 40% की छूट। यंग फैशन आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। हमारा पता नोट करें, यंग फैशन चश्मा घर के सामने, रंका रोड, गढ़वा। यंग फैशन के प्रोप्राइटर सैयद हसन। हमारा मोबाइल नंबर है 8384067783। दूसरा नंबर है 7903096275।